वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं अमन और आपका स्वागत है वीके न्यूज में। राफेल, वीआईपी प्लेन, ऐसे तमाम तरह के मुद्दे हैं जब कांग्रेस के नेता बीजेपी पर सवाल उठाते हैं, भ्रष्टाचार पर लंबे लंबे भाषण देते हैं, पर अपनी गिरिबान में झांकना भूल जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि साफ चेहरे को करना है, आईने को नहीं। दरअसल महाराष्ट्र से ऐसा ही एक मामला सामने आया जो आला नेताओं के बयानों पर प्रश्न चिन्ह लगा दे और महाविकास अघाड़ी की सरकार के दावे को भी नेस्तनाबूद कर ले। दरअसल महाराष्ट्र के ठाणे में भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के एक कांग्रेस पार्षद को 50 लाख रुपए के रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई एंटी करप्शन ब्यूरो ने की। पार्षद पर सब्जी मार्केट के मालिक से 50 लाख रुपए के रिश्वत लेने का आरोप है। कमाल है कि प्रदेश में सरकार गरीबों के हक की बात करती है और यहाँ एक जनाब हक क्या, पैसे भी खाने पर तुले हैं, वो भी लाखों रुपए। ईसीबी के मुताबिक 62 साल के पार्षद सिद्धेश्वर मोलगप्पा कामूर्ति ने सब्जी मार्केट के मालिक से 2 करोड़ रुपए की रिश्वत की मांग की थी। शिकायतकर्ता के भिवड़ी में सब्जी मार्केट की है और इस मार्केट में 100 दुकानें हैं। आरोपी पार्षद ने नगर निगम से शिकायत की कि ये दुकानें अवैध हैं और उन्होंने नगर निगम से इन्हें तोड़ने की अपील की है। इसके बाद पार्षद ने कार्रवाई से बचाने के लिए दुकान मालिक से 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांग की। जांच के बाद एसीबी को पता चला कि पार्षद बाद में 50 लाख रुपए के रिश्वत को तैयार किया गया। फिर क्या था, एसीबी ने जाल बिछाया और पार्षद को रिश्वत लेने के लिए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। पार्षद के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल इस मामले में ना तो आलाकमान की तरफ से कोई बयान आया है और ना ही अघाड़ी सरकार के नेताओं का। ऐसे में देखना होगा कांग्रेस पार्षद पर क्या एक्शन लिया जाता है और क्या आलाकमान की कोई कार्रवाई होगी या नहीं। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।